राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत सांचौर में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट का किया गया आयोजन। उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने कहा, राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में होगा शामिल। बारा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधारोपण। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदारी। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। आमजन को मधुमेह रोग के प्रति किया जाएगा जागरूक। देव उठनी एकादशी पर कल से शुरू होंगे मांगलिक कार्य। दिन भर महापूजा और भगवान का होगा श्रृंगार। शाम को किया जाएगा दीपदान। जयपुर की गोविंद देव जी मंदिर में देव उठनी एकादशी की तैयारियां शुरू। कल मनाया जाएगा देव उठनी एकादशी महोत्सव। जालौर में जिला कलेक्टर प्रदीप के गावड़े ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। झालावाड़ में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई संपन्न। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सभी विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। हनुमानगढ़ में मानस अभियान के तहत जिले भर में हुई ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का विषय नशे के कारण महिलाओं पर हो रही हिंसा। सोलहवीं राष्ट्रीय कूड़ो प्रतियोगिता में उदयपुर के विहर्ष ने जीते 2 स्वर्ण पदक। सूरत में आयोजित प्रतियोगिता में 21 किलो भार वर्ग में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। बालोतरा में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय बैठक हुई आयोजित। सूचना तंत्र को मजबूत कर मादक पदार्थों की रोकथाम सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश। झालावाड़ में धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिला स्तरीय मंथन शिविर का किया गया आयोजन। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा संविधान सभा के 11वें सत्र की ऑनलाइन कार्यशाला के पोस्टर का किया गया विमोचन। 14 से 26 नवंबर तक कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लगाई गई नवोत्पन्न प्रदर्शनी। नवजात शिशुओं की फोटोग्राफी की सर्वोत्तम कलाकृतियों का किया गया प्रदर्शन। कोटा में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगिता। प्रदेश भर से 400 खिलाड़ियों ने लिया भाग। और गंगापुर सिटी में भारत को जानो प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान और संविधान के बारे में दी गई जानकारी।